हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो जेटको का एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पूरे स्टेप जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके कोई फीडबैक या कॉमेंट्स हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेटको का एडमिट कार्ड आज ही रिलीज़ हुआ है, तो वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ब्राउज़र में जेटको जो है वो सर्च करेंगे। तो सर्च रिज़ल्ट में हमें जेटको जो फर्स्ट मिलेगा उसमें हम जेटको पे क्लिक करेंगे। जेटको की मेन वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो रिडायरेक्ट होगा जेटको के मेन पेज पर। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उन सारे ऑप्शन में यहाँ पे टॉप पे कैरियर का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कैरियर की विंडो है वो ओपन होगी। यहाँ पे जो एप्लीकेशन पोर्टल आपको दिया हुआ है उसमें टू व्यू स्टेटस एंड डाउनलोड फॉर्म रिसीव एंड एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो ऐड हो गया है। यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन अब ऐड हो रहा है, तो यहाँ से हम एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस जो लिंक दी हुई है उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉगिन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे राइट मोस्ट कॉर्नर पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना जो लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको आप डाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो लॉगिन पेज है वो हमारा खुल जाएगा। यहाँ पे हमें अपना यूज़र आईडी एंड अपना जो पासवर्ड है वो हमें डालना होगा। अगर आपको पासवर्ड आपका पता नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, बट रिसेंटली यहाँ पे जो ईमेल पे जो रिसेट पासवर्ड की लिंक आ रही है उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आपको डायरेक्टली रिसेंट पासवर्ड की लिंक नहीं मिलेगी। सो आप थोड़ा वेट कीजिए, बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो यूज़र पेज है वो आपके सामने होगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड होम और व्यू टॉप राइट मोस्ट कॉर्नर पे आपको दिया हुआ है। वहाँ पे जो डैशबोर्ड आपको दिया हुआ है उस डैशबोर्ड पे आप क्लिक करके अपना जो डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल आपको दी हुई है। उसके टॉप पे यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है। उस ऑप्शन पे, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो अपने ब्राउज़र में डाउनलोड होता हुआ दिखेगा। और आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो एडमिट कार्ड आपको कुछ इस तरह से दिखा हुआ दिखेगा। वहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, कैटेगरी होगी, साथ में आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर होगा, और आपका नेम, एड्रेस और टेस्ट सेंटर का नेम और एड्रेस और आपके फोटोग्राफ के साथ सब कुछ दिया हुआ होगा। साथ में टेस्ट की डेट, टेस्ट का टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम और टेस्ट टाइम, सारी की सारी डिटेल आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और साथ में उसके दूसरे पेज पे आप जब जाएंगे एडमिट कार्ड के तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई होगी। उस पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पीजीवीसीएल में देखा था उसी तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको जेटको के एडमिट कार्ड में भी देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब टेस्ट सेंटर पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमें अपना कोई वैलिड फोटो आईडी प्रूफ अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ में रखना होगा, और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कोविड गाइडलाइंस है उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने जेटको विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।